चलिए आज देखते हैं गोटो 6.2 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में कोई भी काम करते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग में हमने कम से कम 12 फुट गहराई का एक खड्डा बनाकर और उसमें 10 फुट की रोड कॉपर की डाली गई है। अब केमिकल को पानी में मिक्स करके अर्थिंग केमिकल को और इसके अंदर अच्छे से पानी में मिक्स करके जब डालेंगे और एक अर्थिंग में 2 कट्टे लग जाते हैं और हमेशा ही अर्थिंग में सही प्रॉपर पानी में मिक्स करके तभी इसको डालें, अन्यथा यह सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। हमने अपना इन्वर्टर दीवार पर इंस्टॉलेशन कर लिया है और अब एसीडीपी बॉक्स और डीसीडीपी बॉक्स की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं देखिए इस वीडियो में। पहले हम ड्रिल करेंगे और फिर ड्रिल के बाद इसमें गोटी लगाएंगे और फिर दोनों ही बॉक्स को प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे। अभी देखना इस तरीके से आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे। ये हमने एसीडीपी बॉक्स इंस्टॉल कर दिया है। और हम अब डीसीडीपी बॉक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। कोई भी काम करे वह प्रॉपर और सावधानी पूर्वक करे और अच्छे से करे। गिट्टी लगा ली गई है और अब हम बॉक्स को प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। ये बॉक्स करीबन 5 से 7 किलोवाट तक आप इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। इसमें सारा मटेरियल हैवेलस कंपनी का लगा हुआ है। जब भी आप कहीं भी इंस्टॉल कराएं या खुद करें कोई भी इलेक्ट्रिशियन भाई, तो अच्छी कई कंपनी आ जैसे L&T, हैवेलस, क्रम्पटन, ऐसी ही कंपनी का प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाता। और अब PVC चैनल इंस्टॉल करेंगे। यह इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक वायरिंग भी हमारी प्रॉपर अच्छे से इसमें हम सेटअप कर सकते हैं और इससे अच्छा भी दिखता है और सेफ्टी भी है। तो इसीलिए आप PVC चैनल को कैसे लगाया जाता है आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। पहले सभी जो सुराख के निशान लिए गए थे सभी वहाँ पर ड्रिल के द्वारा होल कर लिए जाएंगे, फिर गिट्टी लगाकर इसको PVC चैनल को इंस्टॉल किया जाएगा। यह कस्टमर के घर पहले 1 किलोवाट सोलर लगा हुआ था। इसमें एक 50 एम्पेयर की DC MCB और DC DP बॉक्स लगे हुए हैं, जिसको हम हटाकर अभी इस सिस्टम को प्रॉपर ही हटा देंगे और इस वायरिंग को लगे हुए अभी लेटेस्ट DC DP बॉक्स में वायरिंग करेंगे। अब इसको सभी को खोल देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई भी काम नहीं रहा, इसलिए यूज न होने के कारण इसकी वायरिंग प्रॉपर खोल लेते हैं। यदि किसी ने भी इस तरीके से सोलर की वायरिंग इंस्टॉलेशन करानी हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। ये ऊपर से आई हुई सोलर की माइनस और प्लस वायर हैं और अभी PVC चैनल में से होल करके इन वायर को PVC चैनल के अंदर से लेंगे। प्रॉपर
मेजरमेंट करके और एक होल करेंगे, जिस होल में इन वायर को क्रॉस करा के प्रॉपर पीवीसी चैनल इंस्टॉल करेंगे। हमेशा जो भी काम करें प्रॉपर सेफ्टी से और साफ़ सफाई से करें, कस्टमर को भी लगे कि काम हुआ है, क्योंकि कस्टमर उस चीज़ के लिए बहुत पैसे पे करता है, तो हमने भी ऐसा ही काम करके देना चाहिए जो कि कस्टमर को अच्छा लगे और प्रॉपर सेफ्टी से हो। हमने छोटी सी वार्सल लेके और इसके अंदर चाइनीज स्क्रू ब्लैक कलर के टाइट कर दिए हैं, जिससे कि इसकी अच्छी पकड़ बन जाए। अब हम बैटरी के लिए डाउन डायरेक्शन में पीवीसी चैनल लगाएंगे, पहले गेज करके और इसमें निशान लगाकर ड्रिल के द्वारा सुराख करेंगे और फिर गिट्टी लगाकर प्रॉपर पीवीसी चैनल को लगाएंगे। ये इन्वर्टर हमने चाइना से मंगाया है और चाइना में इसका प्राइस करीबन 19,000 रुपये है इंडियन करेंसी में, और इंडिया में इसको मेरे घर तक आने में करीबन 44,000 रुपये लग गए। इसमें करीबन 12,500 रुपये तो कस्टम ड्यूटी ही लग गई है और 9 से 10,000 रुपये के आसपास कोरियर चार्ज है, पर यह हमें करीबन 5 से 7 दिन के अंदर ही चाइना से डिलीवर कर दिया। सर्विस अच्छी है, फास्ट है उनकी, पर प्राइस भी ठीक है, पर इंडिया में आने के बाद कस्टम ड्यूटी को लगाकर बहुत हमें महंगा मिला है, ये कस्टम ड्यूटी के कारण बहुत महंगा हो गया। अभी हम यहाँ 2 पोल एमसीबी बॉक्स लगाएंगे और उसके अंदर जो एमसीबी पहले सोलर पर लगी हुई थी 1 किलोवाट पर, वही एमसीबी 50 वाट 50 एम्पीयर की अब हम बैटरी पर यूज करेंगे। हमेशा ही प्रॉपर टूल से ही काम करें, प्रॉपर गेज लेके। क्योंकि एमसीबी लगाना बहुत ज़रूरी है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम बैटरी की लाइन यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग सिंगल पोल के एमसीबी का प्रयोग करते हैं, पर मेरे पास डबल पोल की थी और मैं सलाह देता हूँ कि हमेशा डबल पोल की ही यूज करें और मिनिमम आप 63 एम्पीयर या 100 एम्पीयर की एमसीबी यूज करें, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी पहले यूज में थी तो मैंने इसलिए नई एमसीबी नहीं लगाई, उसी एमसीबी को लेकर रीयूज किया है। अब बॉक्स को टाइट कर लेते हैं चाइनीज स्क्रू के द्वारा। अभी बॉक्स प्रॉपर टाइट हो गया है, अब इसके डाउन में और पीवीसी चैनल लगाते हैं जहाँ तक हमें ज़रूरत है।
और हमारी बैटरी के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। यह एमसीबी टू पोल और 50 एम्पेयर डीसी एमसीबी है, जो कि पहले ही यहाँ पे इंस्टॉल थी। अब इसका प्रयोग हम बैटरी के लिए करेंगे। यह बॉक्स वैसे सिंगल एमसीबी का आता है, पर हमें दो एमसीबी लगाने के लिए इसकी साइड की प्लास्टिक का एक्स्ट्रा जो भाग होता है उसको प्लायर के द्वारा हटाना होता है। हमने यहाँ पर जो सोलर से माइनस और प्लस की वायर आई है वो 10 mm डीसी केबल का प्रयोग किया गया है, जो कि फायर प्रूफ होती है। आप भी कहीं भी जब भी इंस्टॉलेशन कराएंगे या किसी और मैकेनिक से कराते हैं तो मटेरियल खास कर ध्यान दें, जो सोलर से केबल आती है आपके इन्वर्टर तक वह डीसी केबल हो जो फायर प्रूफ होती है और बहुत अच्छी होती है। अब हम बैटरी तक मेजरमेंट करके पीवीसी पाइप को चैनल को काटेंगे और प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। अब इसे भी गिट्टी के ऊपर पेंच लगाकर उनको टाइट कर लिया जाएगा। यह हमने इनपुट वायर ली है और ये 10 mm कॉपर की वायर है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि यह इन्वर्टर करीबन 28 एम्पेयर के आसपास आउटपुट और इनपुट लोड ले सकता है, तो हमें कम से कम 10 mm इस पर यूज करें तो आपका इन्वर्टर बेस्ट और टर्मिनल कभी भी हिट नहीं होंगे। तो इसीलिए हमने यह 10 mm की फ्लेक्सिबल कॉपर की वायर ली है और इसमें प्रॉपर पंचिंग करके वायर में तभी टाइट करेंगे, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट टाइट करेंगे तो इसमें होंगे नहीं, इसमें हमें पंचिंग करनी होती है। और इसको फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पे हमें फेस देना होता है और सेकंड पे न्यूट्रल देना होता है। अभी है एसीडीबी बॉक्स की एमसीबी पर आउटपुट पर लगेगी और इनपुट पे आने वाला एमसीबी के आउट पर लगेगा। इनको दोबारा से फिर
सेकंड साइड से वायर को टूल के द्वारा पंचिंग करेंगे। इस तरीके से आप बिन को देखकर कनेक्शन कर सकते हैं, और जब भी कोई भी इंस्टॉलेशन कराए या कोई भी हमारा भाई करे, खासकर लगाए जाने वाले मेटेरियल पर अवश्य ध्यान दें, वह एक अच्छी कंपनी का हो। और सभी नट बोल्ट प्रॉपर टाइट करें। यदि आप लूजिंग छोड़ते हैं तो केबल हिट हो जाएगी और जिसमें नुकसान हो सकता है। कभी भी ऐसी गलती ना करें, हर एक वायर को प्रॉपर से टाइट करें। हमने हर दोनों एक ही कलर की वायर है, इसीलिए हमने इसमें पीवीसी टेप का प्रयोग किया है दो कलर का, जिसे हमें पता लग जाए यह वायर फेस है या न्यूट्रल पे यूज की गई है। अभी इस वायर पे दोबारा फिर कंट्रोलिंग होगी, और ये 4 mm की हमने आउटपुट के लिए यूज करी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर करीबन एक टाइम में 10 से 12 एम्पीयर लोड चलता है, और हमारी जो कॉपर की केबल होती है वह अपने से 3 गुना लोड ले सकती है। तो यह करीबन आराम से 12 एम्पीयर से 15 एम्पीयर तक भी ले लेगी, बाकी हमारे यहाँ पर 7 से 8 एम्पीयर चलता है, जिसके लिए 4 mm हमारी प्रॉपर सही केबल है। और यह भी एक ही कलर की है, इस पे भी हम पहले से दोनों सिरे पर टेप के द्वारा रेड और ब्लैक निशानी कर लेंगे, जिससे हमें पता लगे इसमें से कौन सी वायर न्यूट्रल है और कौन सी वायर फेस की है। यह स्क्रू कुछ प्लग टाइप के हैं, जो हम नॉर्मल पेचकस यूज करते हैं वो यहाँ नहीं यूज होगा। मेरे पास टॉप टूल है, जिसके कारण मैं इसको प्रॉपर टाइट कर पाया। लगभग हम सभी टूल रखते हैं, और ख़ासकर ऐसे इन्वर्टर में यही टूल काम आता है, नॉर्मल पेचकस नहीं काम करता। ये हमने प्रॉपर मेजरमेंट करके आउटपुट की लाइन फेस और न्यूट्रल लेके गए हैं। इस इन्वर्टर में हमने इन्वर्टर का जो न्यूट्रल पॉइंट है वह मेन न्यूट्रल से लिंक करना होगा। यदि आप न्यूट्रल को लिंक नहीं करते हैं, और जैसे हमारे नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं माइक्रोटेक या कोई भी अदर ब्रांड के, उसमें हम न्यूट्रल ऑलरेडी लिंक होता है, हम उसमें सिर्फ फेस यूज करते हैं। पर इस इन्वर्टर में आपने न्यूट्रल को भी लिंक करना होगा, अन्यथा जैसे यूपीएस आपकी पावर कटेगी और यूपीएस मोड ऑन होगा, पावर नहीं आएगी। तो इसीलिए आप जो आउटपुट का न्यूट्रल है वो इनपुट के न्यूट्रल से कनेक्ट करें, और तभी आपका यूपीएस मोड इस पर काम करेगा, अन्यथा फेस रिलीज हो जाएगा। न्यूट्रल प्रॉपर कनेक्ट ना होने के कारण आप इसकी आउटपुट को यूज नहीं कर पाएंगे। इस बोर्ड के बैक साइड में एमसीबी पैनल है, और इसके अंदर से हमें यहाँ इसको ओपन करके, इस बोर्ड के बैक साइड में ही एमसीबी है, और यहाँ से क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग होने के बाद वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है, और अभी हमारी जो एमसीबी की बैटरी की एमसीबी, उसको उठाते हैं, और इन्वर्टर यूपीएस मोड ऑन किया, डिस्प्ले आ गई है। अब हम कवर को दोबारा लगा देते हैं, कवर लगाने के बाद इसको ऑन करेंगे।
और आपको दिखाएंगे कि यह प्रॉपर कैसे काम करता है। हमने इसमें बैटरी के लिए 16 mm की फ्लेक्सिबल कोपल वायर ली है, जो कि इस लोड के लिए काफ़ी है, और हमारी 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी है, जो कि मिलकर 48 वोल्ट बनाती है। पहले यहाँ स्मार्टन का MPPT सोलर चार्जर लगा हुआ था, जो कि आप साइड में येलो कलर का देख रहे हैं, और अब इसको हटाकर गोटो 6.2 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया गया है, जिसके अंदर सभी फैसिलिटी हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट डिस्प्ले की सभी सेटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, और हमारा सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। अब इन्वर्टर ऑन हो गया है, इसके सभी पैरामीटर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे।